आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले, औस्ता मोहम्मद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर शानदार रैली निकाली गई। तफसीलात ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद इमरानी की इस रिपोर्ट में देखिए। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई घंटा घर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के मेंबर मीर गोधा खान हिजवानी, इंसाफ यूथ विंग के साबिक जिले सदर हाजी अहमद रजा अबड़ो, इंसाफ यूथ विंग के सूबाई रहनुमा मीर फसीहुद्दीन हिजवानी और दीगर ने खिताब किया। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान न कभी किसी के आगे झुके थे न झुकेंगे, वो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेंगे। हम हर कदम पर अपने कायद इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। इमरान खान एक आवाज़ उठाई, जब पहले इमरान खान ने यह कहा कि जब असम्बली में 2013 के इलेक्शन में आपने लोगों ने खुद देखा एक इमरान खान बैठता, सारे गद्दार जो हैं ये चूहे सारे अंदर असम्बली में थे। आज इमरान खान एक बैर है, सारे चूहे अंदर हैं। इंशाल्लाह इमरान खान की जो कॉल है हमने आज उस कॉल के मुताबिक यहाँ पर आए हैं और हम आखिर दम तक खान साहब का साथ देंगे, इमरान खान का साथ देंगे, क्योंकि इमरान खान वो लीडर है जिसने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, जिसने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई। 70 साल से कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो अभी खान साहब कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि इमरान खान ने महंगाई की, आवाम से भाग जाएगा, वो भाई आवाम है, इमरान खान का साथ देने के लिए आवाम पूरी निकली हुई है। उस्ता मोहम्मद एक छोटा सा शहर है, आप खुद देखो यहाँ पे कितने लोग निकले हैं। इंशाल्लाह हमारा लीडर है, हमें जब भी जहाँ भी कॉल करेंगे हम अपने खान साहब के साथ होंगे।